निवाड़ी जिले की पर्यटन नगरी ओरछा के कंचना घाट पर दोस्त के साथ नहाने गए एक युवक अचानक पानी में डूब गया, लेकिन पुलिस और बोट क्लब के दोस्तों की मौजूदगी से युवक की जान बच गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये बुरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल ओरछा के कंचना घाट पर युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था और नहाते नहाते अचानक से ही वो डूबने लगा, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों की तारीफ करनी होगी, उनकी तत्परता के चलते युवक की जान बच गई है। तो देखिए तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुलिसकर्मी ने अपनी तत्परता दिखाते हुए, अपनी चौकसी दिखाते हुए, पुलिसकर्मी के साथ साथ यहाँ पे जो बोट दल के सदस्य हैं, दोनों के द्वारा इस युवक को सकुशल बरामद किया गया है। मयंक दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मयंक, यहाँ पे पुलिस की तत्परता के चलते इस युवक की जान बची है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर जो है लोगों के जहन में रहता ही है जब ऐसे हादसे होते हैं। तो निश्चित तौर पर डर रहता है जब ऐसे हादसे होते हैं, और ये ऐसा ही स्थल है, लगातार यहाँ पर इस तरीके के हादसे पूर्व में भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो पुलिस की तत्परता है वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो दोस्त थे ये नदी में डूबने लगे और पुलिसकर्मी मनीष दुबे जो पूरी वर्दी में था, पूरा सामान उसके पास था, उसने जैसे ही देखा कि ये लड़का जो है वो डूबने वाला है तो उसने तत्काल आओ देखा ना ताओ सीधा नदी में कूद गया, और उसके साथ बोट क्लब के जो सदस्य था निशांत यादव, ये दोनों एक साथ नदी में कूदे और सही वक्त पर ये वहां तक पहुंच गए जहां पर ये युवक डूब रहा था, और निश्चित तौर पर बहुत ही काबिले तारीफ ये काम किया उन्होंने कि सकुशल निकाला, क्योंकि जिस वक्त इसको बाहर निकाला गया उस वक्त भी ये अचेत अवस्था में था और ये बेहोश अवस्था में था, तो उसके बाद पीसीआर किया गया और लगातार पुलिसकर्मी के पीसीआर के बाद ये युवक है होश में आया, और उसके बाद इनको सकुशल इनके घर रवाना कर दिया गया है। कुल मिलाकर तीन दोस्त थे, बुजोली के रहने वाले थे, संस्कार यादव नाम का ये लड़का जो था वो गहरे पानी में डूब गया, और पुलिस ने जिस तरीके से तत्काल तत्परता दिखाई, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी आसपास के इलाके में जो कंचना घाट का आसपास का इलाका है वहां पर गश्त कर रहे थे, और उसी दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाता है, और जिस तरीके से वो हादसा होता है उसके चंद मिनटों के अंदर क्विक रिएक्शन पुलिस के जवान के द्वारा दिया जाता है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है, और लगातार जो भी सीसीटीवी फुटेज को देख रहा है वो पुलिस की सराहना इस पूरे मामले में कर रहा है, साथ ही बोट क्लब के लोगों की भी। बिल्कुल, ये सबसे पहले हम एनडीटीवी के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए टाइमिंग पर भी एक अच्छी टाइमिंग थी, पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस ने तत्परता यहाँ पे कदम उठाया, युवक को सकुशल बचाया, उसके बाद से तमाम कोशिशों के बाद युवक की जान बची हुई है, लेकिन देखिए बचाव में ही सुरक्षा है। बार बार ये हम भी आपसे अपील करते हैं कि ऐसे जगहों में जाने से बचे और पूरी सावधानी के साथ जाए, अगर आप ऐसे इलाकों में जा रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और फिलहाल मयंक, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर के कोतवाली थाने के उखरी तिराहे पर हिट एंड रन की एक दर्दनाक घटना सामने आई। एक्टिवा पर सवार एक दंपति और उसका 3 साल का बेटा हादसे का शिकार हो गया। कार की टक्कर से मासूम की मौके पर मौत हो गई, जबकि माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे सौरभ अग्रवाल अपनी पत्नी सुरभि अग्रवाल और 3 साल के बेटे के साथ अहिंसा चौक से उखरी तिराहे की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से उस स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सौरभ और सुरभि बुरी तरीके से जख्मी हो गए, बेटा 15 फीट तक दूर जा गिरा। आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। हादसे की तस्वीर सामने आई है। उधर पुलिस आरोपी चालक को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके बाद से परिजनों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। अपने बच्चे को खोने के बाद माँ बाप देखिए बेसुध है, रो रो कर उनका बुरा हाल है, और क्योंकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस के खिलाफ भी यहाँ पे आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के चलते किसी और की जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। धामनोद में दिन दहाड़े चोरी की वारदात